वेलकम टू द ओरिजिन सीरीज ऑफ मार्वल एंड डीसी कैरेक्टर्स, जहाँ पे मैं एक ओरिजिन स्टोरी शेयर करता हूँ। एंड आज की हमारी वीडियो होने वाली है ओरिजिन स्टोरी ऑफ हैमरहेड, जिसकी रिक्वेस्ट मुझे करी है मेरे दो सब्सक्राइबर्स फैजल काजमी एंड जीत इनामदार ने। तो अगर आप भी अपने किसी फेवरेट कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना कमेंट सेक्शन में, एंड मैं जल्दी जल्दी उस पर वीडियो लेने की कोशिश करूंगा। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स बिगिन द वीडियो। हैमरहेड की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 113 अक्टूबर 1972 को, एंड हैमरहेड का असली नाम है जोशफ। तो इशू की शुरुआत होती है कैप्टन अमेरिका एंड किंग फिंग की एक ब्रूटल फाइट से, जिसको लेटर ज्वाइन करता है फैल्कन, एंड फैल्कन एंड कैप्टन अमेरिका दोनों मिलकर किंग पिन को हरा देते हैं एंड उसे जेल में डाल देते हैं उनके क्राइम्स के कारण। तो क्योंकि अभी किंग पिन अरेस्ट हो चुका है तो इसलिए न्यूयॉर्क का अंडरवर्ल्ड अभी पूरी तरह से खाली है, जिसको लीड करने के लिए अभी कोई भी नहीं है। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए डॉक्टर ऑक्टोपस आगे आता है एंड न्यूयॉर्क के अंडरवर्ल्ड को टेक ओवर करने की कोशिश करता है, एंड उसे उसके मॉनिटर पर एक मैसेज दिखाई देता है जो उसे एक गली में बुलाता है। तो वो अपने आदमी को वहां भेजता है, बट ये एक ट्रैप था। तो मैसेज देने वाला आदमी ऑक्टोपस के आदमी को मार डालता है, एंड बाद में रिवील होता है कि वो आदमी हैमरहेड का आदमी था, जो कि आल्सो न्यूयॉर्क के अंडरवर्ल्ड को टेक ओवर करना चाहता है। तो इसी के कारण हैमरहेड एंड डॉक्टर ऑक्टोपस के बीच दुश्मनी हो जाती है, एंड इसके बाद डॉक्टर ऑक्टोपस हैमरहेड के बेस पे अटैक करता है, एंड वो अकेला ही हैमरहेड की पूरी गैंग को हरा देता है। एंड तभी वहां पर एंट्री होती है स्पाइडरमैन की, एंड स्पाइडरमैन एंड डॉक्टर ऑक्टोपस की फाइट होती है, जिसके चलते ऑक्टोपस अपने टेंटिकल्स एक चिमनी पे मारता है एंड उस चिमनी का मलबा नीचे गिरने लगता है, जो कि वहां पर एक छोटे खड़े बच्चे की ओर गिरता है। बट लकीली वहां पर कैप्टन स्टेसी आकर उस बच्चे को बचा लेते हैं, बट इस प्रोसेस में कैप्टन स्टेसी खुद मारा जाता है। एंड कैप्टन स्टेसी पीटर पार्कर की गर्लफ्रेंड ग्वेन स्टेसी के फादर है, तो यहाँ पे उनकी मौत हो जाती है। एंड इसके बाद अगेन स्पाइडरमैन एंड डॉक्टर ऑक्टोपस की फाइट होती है, एंड इस बार स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑक्टोपस को हरा देता है, लेकिन वो पिछली फाइट के कारण बहुत ही जख्मी था, इसलिए वो अपनी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए एक मशीन लगा कर आया था। एंड तभी वहां पर आ जाता है हैमरहेड, जो कि स्पाइडरमैन को थैंक यू करता है उसके इकलौते दुश्मन को हराने के लिए। लेकिन इससे पहले हैमरहेड को शोर कहता है, स्पाइडरमैन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन हैमरहेड अपना हेड आगे कर देता है एंड स्पाइडी का पंच उसके हेड पे लगता है, जिसके बाद उसका हाथ दुखने लगता है। एंड इसी बात का फायदा उठा के हैमरहेड स्पाइडरमैन को शूट करता है, लेकिन डॉक्टर ऑक्टोपस स्पीशीज अपने टेंटिकल से उसके एम को स्पॉइल कर देता है, जिस कारण हैमरहेड की बुलेट स्पाइडरमैन के सर के ऊपर से गुजर जाती है। लेकिन इस कारण स्पाइडरमैन थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है, एंड इधर डॉक्टर ऑक्टोपस भी अपनी जान बचाकर भागता है। लेकिन कुछ ही देर में स्पाइडरमैन अपने होश संभालता है एंड वो देखता है कि हैमरहेड उसके सामने बैठा है, जो कि उसे अपनी पास्ट की स्टोरी बता रहा है। वो बताता है कि वो बचपन में इटली में रहता था, लेकिन वो एक रशियन है जिसका जन्म इटली में हुआ था, एंड उसका बाप एक बहुत बड़ा शराबी था, जो कि बात बात पे लिटरली अपने हैमर को उसके सर पे मारता था। तो इसी दौरान हैमरहेड यानी कि जोशफ अपने बाप की गाड़ी में खेल रहा था, तो उसकी शराब की बोतल उससे गिर जाती है, जिसके कारण उसका बाप हैमर से उसके सर पे मारता है। एंड ऐसा एक बार नहीं, कई बार हो चुका है, जिस कारण उसके सर में कई सारे हैमर के निशान है, एंड इसी कारण स्कूल के बच्चे उसे हैमरहेड बुलाते थे। लेकिन ये बात जोशफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तो इसी कारण एक दिन वो वही हैमर लेकर उन दोनों बच्चों के सर पे मार के उन्हें मार डालता है जो उसे हैमरहेड बुलाते थे। इसके बाद वो एक इटली के गैंगस्टर मागिया की नजर में आता है, जो कि उसे अपनी गैंग में ले लेता है एंड उसे पालता पोसता बड़ा करता है। एंड उसके बाद जोशफ यानी कि हैमरहेड अपने बाप के पास जाता है एंड उसे गाड़ी के साथ बांध कर उसी हैमर से मार मार के मार डालता है जो बचपन में वो उसके सर पे मारा करता था। एंड इसके बाद वो न्यूयॉर्क ब्रुकलिन में आ जाता है, एंड वहां आकर वो एक ऐसी गैंग से पंगा ले लेता है जिसे वो हरा नहीं सकता था। तो वो गैंग वाले एक रॉड लेकर बार बार उसके सर पर मारते हैं एंड उसे अधमरा कर वहीं पर छोड़ जाते हैं। एंड फिर वहां पर वो मिलता है एक डॉक्टर हॉरो नाम के डॉक्टर को, जो कि उसे देखता है एंड उसे एक टेस्ट सब्जेक्ट चाहिए था अपने एक एक्सपेरिमेंट के लिए जो वो कर रहा था, जो कि एक इलीगल एक्सपेरिमेंट था। तो वो उसे उठाकर अपनी लैब में ले जाता है एंड वहां पर चार दिन तक वो जोशफ के स्कल को ऑपरेट करता है एंड उसके स्कल को एक अनबीटेबल स्टील अलॉय से रिप्लेस कर देता है, जो कि उसके एक्सपेरिमेंट का पार्ट था। एंड एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है एंड इस तरह जन्म होता है हैमरहेड का। एंड हैमरहेड बताता है कि यही मेरी स्टोरी है, एंड इसके पहले वो कुछ कर पाता स्पाइडरमैन उसे चकमा देकर वहां से निकल पड़ता है। एंड इसके बाद हैमरहेड एक अपने लिए रोबोटिक सूट बनाता है, जिससे वो कई सारे सुपर हीरो जैसे कि ह्यूमन टॉर्च, ल्यूक केज एंड सेबल जैसे सुपर हीरोज को अपने सूट और कई बार अपने सर से ही हरा देता है। एंड फिर वो अंडरवर्ल्ड का डॉन बन जाता है एंड अपनी पावर में अंधा हुआ वो किंग पिन से मिलने जेल में जाता है, जहां पर वो किंग पिन को चिढ़ाता है, ये कहते हैं कि वो यहां पर फंसा हुआ है एंड वो अभी न्यूयॉर्क का डॉन है। तो किंग पिन को ये बात बर्दाश्त नहीं होती, तो वो टोनी स्टार्क को जेल में बुलाता है एंड हैमरहेड के सीक्रेट बेस के बारे में उसे बता देता है। तो इसके बाद टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन अपने शील्ड के एजेंट्स के साथ हैमरहेड के बेस पे अटैक करता है एंड उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन इस फाइट में हैमरहेड बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, जिस कारण उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। एंड वहां पर किंग पिन अपना एक आदमी भेजता है, जो कि एक एडमेंटियम बुलेट के साथ हैमरहेड को शूट कर देता है, बट बाद में ऑपरेशन किया जाता है जिससे
हैमलेट की जान बच जाती है एंड वो एडमेंटियन बुलेट उसके दिमाग से निकाल दी जाती है। एंड इसके बाद मिस्टर नेगेटिव हैमलेट को वहां से निकाल लाता है एंड वो अपनी एक बहुत ही स्किलफुल डॉक्टर ट्रोमा को हैमलेट का ऑपरेशन करने को बोलता है। एंड उस ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ट्रोमा हैमलेट का सिर्फ हेड ही नहीं बल्कि पूरे के पूरा अपर बॉडी को एडमेंटियम स्टील से बदल देती है। एंड इस तरह एडमेंटियम स्टील बदलने के बाद जन्म होता है एक न्यू एंड स्ट्रॉन्गेस्ट हैमरहेड का, जो कि स्पाइडरमैन से पंगे लेता रहता है एंड स्पाइडरमैन एंड हैमरहेड की दुश्मनी कॉमिक्स में चलती रहती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। तो ये थी ओरिजिन स्टोरी ऑफ हैमरहेड। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर पसंद है तो प्लीज लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना अगर आप न्यू हो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आती रहती है। और अब मैं मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।